सर, कैसे हो आप सब? अस्सलाम वालेकुम। तो सबके क्या हाल चाल हैं? अभी 2 बज रहे हैं, मैं आया था कॉलेज से 10:30 पौने 11 के टाइम पे। हमजा फाद आज कॉलेज स्कूल नहीं गए, फिर मैं आगे सो गया, तभी मैं उठाऊँ, मुँह हाथ धोता हूँ, नाश्ता वाश्ता करता हूँ और उसके बाद फिर आगे व्लॉग को कंटिन्यू करेंगे। आज मैं अंडा खा लेता हूँ, इतने दिनों का अंडा भी नहीं खाया ना। सूखी रोटी यार, यार मेरा चार्जर है तो डेली गुम हो जाता है, मैं क्या करूं यार। आज ना मेरा एक स्टोरी टाइम वीडियो बनाने का बहुत दिल था, बहुत ज़्यादा, लेकिन नहीं बना पाया आज एक स्टोरी टाइम वीडियो। बाहर की तरह जब भी मेरा दिल करता है कि कहीं बाहर जाना है का, या फिर थोड़ा घर से बाहर निकलने का, तो हमजा साहब या कोई बाइक लेके चले जाते हैं। और अभी भी हमजा साहब बाइक लेके चले गए और काफ़ी देर हो गई है, मतलब काफ़ी देर हो गई है। तो फिर मैं नीचे उतर आया, मैं बैठा हूँ इंतज़ार में कब आएगा और मैं कब बाइक लेके जाऊँगा, देखते हैं। आज का जो व्लॉग रहा है यार, वो तो मेरा ना बिल्कुल सोते सोते गुजर गया, बिल्कुल सोते सोते। और अभी टाइम हो रहा है 8 बज गए, मतलब अंधेरा हो चुका है। अब तो बाइक पे बाहर जाने का भी तो बिल्कुल दिल भी नहीं कर रहा है, और अब तो वो मुझे भी नींद आ रही है यार। मुझे ना 11-12 बजे सो जाना चाहिए, और फिर सुबह जो मेरी टाइमिंग कॉलेज की वो पूरी, क्योंकि सिर्फ 9 दिन आई थिंक रह गए, क्योंकि 25 तारीख से बंद हो जाएंगे आई थिंक। हाँ, 25 तारीख से कॉलेजेस बंद हो जाएंगे। तैमूर बुला रहे हैं आपको, कह रहे हैं हाय तो कर दो। हाय बी4, बी4 क्या होता है बताओ। यस, ये जब बताने का टाइम आता है तब ये बताता नहीं है। बी4, अच्छा हमें किसने पैदा किया है? सही है बेबी। ए4 क्या आता है बताओ ना। ए4 हमें किसने पैदा किया है? अच्छा आपको किसने पैदा किया है? जाओ, हमसे अंदर लेटा हुआ है, इसको आवाज़ नहीं जा रही होगी, इसको जाके बोलो कि मम्मा बुला रही है। और ओए बेबी नो, इधर आओ, पोछा नहीं लगाना आपने, इधर आओ, नहीं आ जाओ, नहीं नहीं लगाना, चलो नहीं नहीं बेबी से नहीं पोछा लगाना, चल पोछा लगा, शाबाश, चल चल। अच्छा बात सुनो, बाइक का किसको पता था कि तुम लेके जा रहे हो? और इतनी देर क्यों लगाई? क्या लगाई भी तो वो एक बंदे की बाइक थी। नेक्स्ट टाइम बाइक नहीं लेके जाना, या फिर मुझे बता के जाना कि हाँ मैं इधर जा रहा हूँ, इतनी देर में आऊंगा, क्योंकि जब मैंने व्लॉग बनाया और जब मैं जाना चाहता था तो वो बग गए। देख रहे हो इसके काम देख रहे हो इधर से। तैमूर ये एक जेंटलमैनली का बेटा है, ये है एक जेंटलमैनली का बेटा, और आप भी एक जेंटलमैनली के बेटे हो। अच्छा आप अपने पापा के बेटे, आप एक जेंटलमैनली हो या नहीं? मैंने नहीं उठाना आपको, शाबाश हमजा पहुंचा सीढ़ियों पे लगाओ, मैं इधर हमजा से पहुंचा लगवा दो सीढ़ियों पे, उसके बाद आपसे मिलता हूँ। हसन की ना अभी भी मुझे कॉल आई और वो कह रहा था यार शेविया क्या सीन हो रहा है कि मैं 14 डेज हो गए तो अभी हम लोग बाहर नहीं निकले ना, मतलब ये लोग कह टर्की तो इन लोगों को क्या नाम है एयरपोर्ट पर रोक लिया था, तो फिर इनको 14 दिन के लिए एक क्या नाम है होटल में, मतलब जितने भी पैसेंजर है सबको रोक लिया। तो पहले वो कह रहे थे कि सिर्फ 5 दिन के बाद फिर निकलेंगे, लेकिन नहीं अब पूरे 14 डेज। अभी जैसे आधे लोग चले गए, अभी इनका इंशाल्लाह नंबर आने वाला है 1-2 दिन में शायद, तो फिर ये भी उस बंद जगह से अब निकलेंगे। तो अब देखते हैं अब आगे और कितने दिन लगते हैं, और मैं इनसे ऐसे क्लिप्स वगैरह मंगवाता रहूँगा। और अभी आप ज़रा क्लिप्स देखो पहले, उसके बाद हम आगे बात करते हैं। ये देखो भाई, कुछ फैमिलीज जा रही हैं आज, ये बसें आई हुई हैं, ठीक है ये बसें आई हैं, और वो देखो ये बैग नज़र आ रहा होगा, ये लोग, वो देखो लोगों के बैग सामान नज़र आ रहे होंगे, ये आज जा रहे हैं कुछ लोग, और ये बसें आई हैं अभी लोगों से भरी हुई, ये देखो
और वो देखो ये लोग अभी ऊपर बिल्डिंग से निकले हैं। ये 3 बसेस लोगों की भरी भी आई हैं भाई। बड़ी दुनिया फिर आ गई है भाई। वेदर चेक करो भाई, माशाल्लाह माशाल्लाह बारिश आ रही है। फिर ये बसों में लोग भरे हुए आए हैं सारे। हो जाएगी वैसे ना, कितना बादल आ गया देखो। हाथ लगाओ तुम्हें खाने में क्या है? आ यार भी इधर ही करते हैं क्योंकि इधर ही बैठा हूँ मैं। तो खाना रेडी हो गया है तकरीबन और अब मैं टीका लगाओ फटाफट। सबसे पहले ये काम करो। तो अब हम लोग इस ब्लॉग को एंड करते हैं। मेरा बहुत दिल था स्टोरी टाइम वीडियो बनाने का, लेकिन मैं स्टोरी टाइम वीडियो नहीं बना पाया। लेकिन इंशाल्लाह एक दो दिन में वो स्टोरी टाइम वीडियो, मंडी ब्लॉग 2 चीज़ें और चैलेंज वीडियो 3 चीज़ें पेंडिंग है जो मैं किसी भी दिन इंशाल्लाह करूँगा। ब्लॉग उस दिन शायद ना आए वैसे दोनों चीज़ें अपलोड कर दूँगा थोड़े कैप के बाद। तो बेबी बोल दो लाइक करें, जल्दी आओ एंड कर दो ब्लॉग, एंड कर दो जल्दी आओ आओ ना वीडियो के अंदर आके बोलो लाइक सब्सक्राइब करें कमेंट करें ले। और ना कल पप्पो आई और कल पप्पो जी ने मेरी जब दोस्ती की है उन्होंने कहा है कि लाइट क्यों नहीं ऑन करते हो। और मुझे भी याद आया पूरी वीडियो शूट करने के बाद कि मैं लाइट ऑन क्यों नहीं कर रहा। देखो आई एम थोड़ा सा गोरा एंड पप्पो कह रही थी कि तुम इतने काले आ रहे हो ना, तुम लाइट के पास क्यों नहीं जाते। अब लाइट जा रहा हूँ, ये मेरी जो बड़ी लाइट है ये हो गई है ख़राब, इसको हमने उतार दिया है, वरना ये पूरा घर हमारा माशाल्लाह रोशन होता था। तो बस यही है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।